हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ऑक्सीजन डिजिटल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम अपनी आईडी को कैसे माइग्रेट कर सकते हैं या हम अपना न्यू आईडी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब आपको अपनी आईडी नई तरीके से लगानी है, तो अभी आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। कुछ टाइम के बाद यानी कि 15 या उसके बाद आपका जो आईडी होगा वो टॉपअप होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपको फटाफट से रजिस्टर करना है। आप अपना नया टीम बना सकते हैं, न्यू टीम बिल्ड कर सकते हैं। अपना नए टीम बना करके वहाँ पर लेफ्ट राइट का आपको जो का जो भी पोजीशन अच्छा लगे वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है तो इसे गवाइएगा नहीं, और जो टीम आपको सही लगे और जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं उस टीम को चुन लीजिए और वहाँ पर अपना लेफ्ट और राइट जैसे भी आप सेट करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिए। तो वीडियो की तरफ मूव ऑन करने से पहले, यानी आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जिन्हें आईडी लगाना नहीं आता वो भी इसके माध्यम से सीख सकें। तो चलिए वीडियो को ऑन कर लेते हैं। आईडी को माइग्रेट करने के लिए आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, सबसे पहले आप क्रोम या ओपेरा कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए, उसमें oxing.com को ओपन करिए और उसके बाद 3 lines पर क्लिक करिए। देख सकते हैं जैसा कि आपको वीडियो में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, सेम इसी तरह से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो उसके बाद आप 3 lines पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। उस लॉगिन ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ई पैनलिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि क्रिएट ई पैनलिस्ट अकाउंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ई पैनलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया है न्यू ई पैनलिस्ट रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन, एंटर द करेक्ट डिटेल इन द रजिस्ट्रेशन बिकॉज नो डिटेल्स विल बी चेंज्ड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप अपना जो भी डिटेल फिल करें वो बहुत सोच समझ के फिल करें, क्योंकि यदि आपने एक बार अपना गलत डिटेल यहाँ पे भर दिया तो वापस से वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके पहले भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो अब आप ध्यान से भरिएगा। यहाँ पे 2 options मिलेगा आपको, एक डिजिटल बिजनेस, एक BM कॉइन बिजनेस। तो यदि आप डिजिटल बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट करिए, यदि आप BM कॉइन बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको डिजिटल बिज़नेस के लिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उसकी ही क्वेरी है। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल बिज़नेस के बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्री सेलेक्ट किया जो कि हमारा है इंडिया, और उसके बाद यहाँ पे आपको आपका स्टेट जो भी स्टेट है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ। उसके बाद वहाँ पे जो आपकी सिटी है वो सेलेक्ट करिए। जब आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑप्शन में शो करेगा, तो आप वहाँ पे उसको देख करके सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो एफिलिएट आईडी है यानी कि जिसके रेफरेंस के थ्रू आप यहाँ रहेंगे वो डालना है। तो यदि आपको उनकी आईडी याद है तो या आपको पता है तो आप डायरेक्ट डालेंगे तो यहाँ पर उनका नाम शो करने लगेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको डाल के दिखाया है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यूज़र नेम आप चाहें तो अपना पुराना वाला भी रख सकते हैं जैसा कि आपको याद रहे इसलिए, या तो आप चाहें तो यहाँ पे नया आप यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप न्यू यूज़र नेम लेना चाहते हैं या पुराने वाले के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपना नाम डालना है, तो नाम का जो फर्स्ट नेम में डालिए, आपका कोई मिडल नेम है तो वो आप डालिए, उसके बाद आप लास्ट नेम मेंशन कर दीजिए। ये सारा डिटेल फिल करिएगा अच्छे से, जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग और जो पैन कार्ड में दिया हुआ है, इन 2 documents को देखते हुए ही यहाँ पे आप सारा डिटेल फिल करें क्योंकि वही आपका वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसके बाद जो आपका जेंडर हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आप देख सकते हैं पहले आपको मंथ, उसके बाद आपका डे यानी किस डेट पे आपका जो बर्थ है वो, और उसके बाद ईयर लाइक 1989, 1990, 1991 जो भी हो। इसके बाद पोजीशन सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो स्पॉन्सर्ड आईडी होगा तो वो आपको लेफ्ट राइट बताया जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए।
इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ये ध्यान रखिएगा यहाँ जो मोबाइल नंबर आपको डालना है वो वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पुराने आईडी में था, क्योंकि यदि आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दूसरा डाल दिया या गलत डाल दिया तो आपको आपका जो पुराना पैसा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे वेरीफाई करके कंपनी आपको पूरा अमाउंट 10 या 15% करके हर महीने आपके अगले महीने के पे आउट के साथ देगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप जो सिलेक्शन है, जो काउंट है उसको काउंट करके डाल के कैप्चा और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट का है ऑप्शन, सारा डिटेल अच्छे से फिल करके सबमिट करते ही आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वो ओटीपी आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है। ये वही ईमेल आईडी है जो आपने पहले से बना रखा है और आपने पुराने आईडी में भी यूज़ किया था और आप अभी इस आईडी में भी यूज़ कर रहे हैं, तो सेम ईमेल आईडी पे आपके वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो आप डाल दीजिए जैसा कि यहाँ पे हम डाल के वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। उसको डालते ही आपका जो ये आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा और सक्सेसफुली आपका आईडी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पूरा प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर उन्हें नहीं पता हो तो वो भी आईडी लगाना सीख सकें। नमस्ते।